हमारा शुरू से सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को लेकर फिरका परस्ती के खिलाफ हमने ज़्यादा काम हमारा रहा है. गए चार साल से हमारे सारे साथी के आसाम में बहुत सारा काम किया है, क्योंकि ये नागरिकता का मसला सबसे पहले आसाम में उभर के आता है हमारे सामने, और उभर के आता है और वहाँ पे किस क्या शक्ल लेता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो वहाँ का अनुभव हम नहीं समझेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि जो सरकारें कभी कभी ऊपर ऊपर बैठ के चीज़ें शुरू कर देती है, दस्तावेज लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ, पुरावा लाओ, वो कौन से तबके को फ़ायदे कर सकते हैं और कौन से तबके के ऊपर एक पूरा मार डालते हैं. आप ही सोच लीजिए कि आपकी बस्तियों का मामला, आपका SRA का मामला, स्कूल एडमिशन का मामला, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का मामला, कभी कोई अक्षर में फ़र्क आ जाए, एक अक्षर में एक कार्ड में फ़र्क आता है तो कितना उसके ऊपर हमको जूझना पड़ता है. तो यही को लेकर हम लोगों को समझा रहे हैं कि पहले तो हमको आसाम का थोड़ा समझना पड़ेगा, मगर आसाम के साथ साथ हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के क्या नागरिकता के ऊपर इतना जोर सरकार क्यों दे रही. ये हमें पहले बुनियादी सवाल अपने आप से भी करना चाहिए और पड़ोसी से भी करना चाहिए, क्योंकि क्या वो बेरोज़गारी से हमारा ध्यान हटाने के लिए कर रही है, क्या प्याज का दाम 200 रुपया हो गया, मतलब 140 रुपया प्याज, 190 रुपया प्याज, बाहर से प्याज लाने का काम, मतलब ये क्या चल रहा है. हमारे किसान मर रहे हैं, हमारे किसानों की 300 महाराष्ट्र में खुदकुशियाँ हुई है, और हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर से प्याज लाओ, यहाँ का बाहर का प्याज ला के यहाँ का दाम को बैलेंस करो. हमारा किसान को के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, आलू का दाम क्या, सब्जियों का दाम क्या, रोज़गारी तो है ही नहीं कोई, मतलब नौजवान कह नहीं सकता कि मुझे रोज़गार मिल सकता है. तो ये सब सवालों के ऊपर चर्चा करने के बाद गए 1.5-2 महीने से सारा देश इसी मसला में क्यों फंसा हुआ है, ये सबसे बुनियादी सवाल हमें करना चाहिए लोगों से. तब तक हमने ये करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि चाल क्या है. एक ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है कि लोग बुनियादी मसले से सवाल पूछना भूल जाएं और आपस में या तो दस्तावेज ढूंढने में लग जाएं, या तो पुरावे ढूंढने में लग जाएं, या तो फिर पड़ोसी के खिलाफ कोई शायद उसके पास नहीं है तो मैं तो बच जाऊंगी, थोड़ा भिड़ाने में लग जाएं, ये तो यही तबके के खिलाफ है, ये मुसलमान के खिलाफ है, ये दलित के खिलाफ है, ये कामदार के खिलाफ है, तो मैं तो बच जाऊँ, अपने आप को निकालूँ, क्योंकि ये इंसानी एक फितरत है कि अपने आप को बचाना और चलना. तो ये एक साजिश, पूरी सरासर एक साजिश है सरकार की. सबसे पहले उनकी ये साजिश थी कि धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे लोगों को बांटो. वो लोग नहीं बटे, जिस तरह लोगों ने जवाब दिया है लोग अभी तक तो नहीं बटे वो उसको लेकर, क्योंकि इसमें हमें तीन चीज़ को साथ में देखनी पड़ेगी, नागरिकता कानून में दुरुस्ती, साथ साथ आसाम का अनुभव NRC को लेकर, और फिर सारे देश में लागू होने वाला NPR और NRC. ये 3-4 चीज़ों को हमें साथ में जुड़ के देखना चाहिए, अलग अलग नहीं देखना चाहिए. अगर हम अलग अलग देखेंगे तो हम वही चाल में फंस जाएंगे, क्योंकि सरकार आज एक झूठ बोलती है कल दूसरा झूठ बोलती है. अभी कल आ गया कि हम NRC नहीं शुरू करेंगे, मगर NPR पे खामोश. NPR की अब नोटिफिकेशन तो आ ही गया कि पहले अप्रैल से शुरू होने वाला है. तो NPR का मतलब ही NRC, NRC का मतलब ही NPR, यही हमारे दिमाग में हम ला लें, क्योंकि ये सब वो लोग जानबूझ के चला रहे हैं. और जो आज कह रहा है गृह मंत्री हो या कोई भी हो कि नागरिकता की दुरुस्ती और सारे देश में NRC में कोई जुड़ाव नहीं है, तो वो खुद के भाषण उनके आप देख लो 2 साल पहले के, जब वो आसाम राज्य में चुनाव जीतने जा रहे थे या बंगाल के चुनाव जीतने जा रहे थे, उन्होंने खुद कहा था कि हम हिंदुओं को तो बचा देंगे ये दुरुस्ती लाकर, और रहेगा कटघरे में सिर्फ मुसलमान. खुद इनकी गंदी गंदी जबान से उन्होंने ये कहा है, घुसपैठियों नाम के गंदे गंदे लफ्ज़ उनके, हम नहीं मानते दुनिया में कोई भी घुसपैठी होता है, ये हम साफ साफ कर रहे हैं. हो सकता है चंद लोग ऐसे हों जो गलत नीतियों से आके आतंकी काम या गलत काम दूसरे देशों के खिलाफ करते हैं, मगर उनको घुसपैठी कहना गलत है. जब इंसान अपने ज़मीन को छोड़ के कहीं और जाता है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, सीरिया में हो, जॉर्डन में हो, कितने हिंदुस्तानी अमेरिका की तरफ भागते हैं. आज भी मैंने खबर पढ़ी कि मलयाली भाषी लोग नॉर्वे में बिना नागरिकता के वहाँ पे ऐसे सड़ रहे हैं, क्योंकि कोई एजेंट ने उनको फंसा दिया कि आप पैसा दे दो, अब हम आपको स्वीडन नॉर्वे में घुसा देंगे.
तो ये मजहब का सवाल नहीं है. जब इंसान कोई जाता है तो यही सपना लेके जाता है कि मेरे आर्थिक कोई समस्या कम हो जाए, मैं समाज में कोई परेशानी है तो वो कम हो जाए, तो वही सपना लेके बेचारा पूरा अपने ज़मीन को छोड़ के जाता है. तो इस तरह का लफ्ज़ कोई सरकार को शोभा नहीं देता, घुसपैठियाँ जैसे शब्द लेना और सरकार के संवैधानिक पद से ये बात आना, ये बिल्कुल हमारे परंपरा के खिलाफ है, भारतीय संविधान के परंपरा के खिलाफ है और मानव अधिकार की सभ्यता के खिलाफ है. ये हम समझ लें, क्योंकि जिस दिन आपने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, आप चाहते हैं कि हमारे अंदर का शैतान जाग उठे और हम सोचने लगे कि कौन हमारे बीच में घुसपैठिया, उनको निकालो निकालो. और ये हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ. बैंगलोर शहर में, बैंगलोर में एक बस्ती है 40 साल पुरानी, 40,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ 10-15,000 बेचारे बांग्लादेश से आए हुए बंगाली लोग हैं, मतलब ईस्ट बंगाल से पहले आए हुए लोग, और बाकी यहीं के रहने वाले मुसलमान. जिस दिन से ये प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं बस्ती के ये दीवार खड़ी हो गई, वहाँ के लाइट बंद, पानी बंद. तो हम ये याद रखें कि हमारे बीच का ये शैतान हम नहीं जागने दें, क्योंकि नफरत का बहुत एक भयानक एक शैतान होता है और इंसानी फितरत बहुत ख़राब होती है कि हम अपने जात को बता दें, अपने आप को बता दें और जिसे किसी को फंसा दें. तो ये जो लोगों को ये तोड़ने का एक पूरी साजिश है सरकार की, वो अभी तक नहीं सफल रही, क्योंकि जिस तरह का जवाब युवकों ने दिया, जिस तरह का जवाब सिर्फ युवकों ने नहीं, नागरिकों ने दिया, हर तबके के नागरिकों ने दिया, ये कहकर कि बस हम नहीं चाहते कि हिंदू बना मुसलमान बात हो, जो भी हो हमारा संविधान हमारे लिए प्रिय है, सर्वप्रिय है. और संविधान में, मतलब संविधान में क्या बात है जो लगता है कि सब हिंदुस्तानी के दिल में बात पकड़ ली है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि हमारा देश जो है कोई धर्म के आधार पर नहीं बना, हमारा धार्मिक राष्ट्रवाद हमारे बीच में नहीं है, हमारा देश एक बराबरी और समानता पर बना, कि यहाँ पर जो भी हैं, चाहे कोई भी जात, कोई भी जबान, कोई भी मज़हब, अमीर गरीब में इतना फ़र्क, फिर भी हम बराबरी का दर्जा देते हैं कि वोट देने का समय सबका बस एक ही वोट होता है. ऐसा नहीं कि अमीर का 1,000 वोट होता है और गरीब का 1 वोट होता है. तो ये बराबरी का दर्जा जो है, लगता है कि कहीं ना कहीं भारत हिंदुस्तानी दिलों में छा गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसको और मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि नफरत बहुत आसानी से फैलती है और इसीलिए हमें ये फैलनी नहीं देनी चाहिए. तो हम लोग जो विरोध इसका कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो बुनियादी स्तर पे इसलिए कर रहे हैं. नागरिकता दुरुस्ती का जो 2019 में पारित हुआ, बिना कोई चर्चा में, एक दिन के अंदर लोकसभा में पारित हो जाता है, एक दिन के अंदर राज्यसभा में पारित होता है. आज की खबर ये बताती है कि रूल्स, कानून जो लाए जाएंगे, वो बिना कोई विपक्ष के साथ कोई भी चर्चा करने के बाद गृह मंत्रालय बनेगा. सोनोवाल की बात सुन रहे हो, आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सुझाव वो ले लेंगे, क्योंकि आसाम में बहुत तगड़ा विरोध हुआ है दुरुस्ती को लेकर, मगर हम बाकी जगह हम नहीं सुनेंगे. तो ये किस तरह की जमहूरियत है, ये किस तरह की लोकशाही, सिर्फ तानाशाही है. हमारा संविधान ये भी कहता है कि सिर्फ केंद्रीय सरकार माने नहीं रखता ये देश, राज्य सरकारों का भी अधिकार है, जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपकी केंद्रीय सरकार ज़रूर कई चीज़ों के लिए बहुत अहम है, जहाँ पे आपका पैसे का मामला हो, आपका आपके सेना का मामला हो वगैरह वगैरह, मगर बाकी चीज़ों में चूंकि हम इतने विभिन्न भाषियाँ हैं, विभिन्न परंपराओं से हैं, हमारे अलग अलग राज्यों को भी एक दर्जा दिया गया है संविधान में. हालांकि कई सरकारों ने ये दर्जा को कम करने का काम किया है, ये सरकार ने कुछ सीमा पार कर दी, वो चाहते कि विपक्ष की बात ही नहीं सुने, और इसलिए इसके ऊपर भी हमें सवाल उठाने चाहिए. तो ये दुरुस्ती उन्होंने मजहबी, एक मजहबी लकीर लगा के ये दुरुस्ती की है कि 3 राज्यों में से ये सिर्फ 3 देशों को क्यों आपने चुना. हमारा कहना है आप नेपाल को भी चुनो, श्रीलंका को भी, पूरे पड़ोसी देश उसमें डाल दो, नेपाल भी डाल दो, श्रीलंका भी डाल दो, म्यांमार भी डाल दो, भूटान भी डाल दो. अगर आपको पड़ोसी देश के पूरे लोगों के साथ अगर आपके पास सहानुभूति है, तो हमारे श्रीलंकन तमिल भाई बहन जो हैं, जो 1.5-2 लाख की संख्या में आज भी हमारे देश में रह रहे हैं, उनके लिए आपकी सहानुभूति क्यों नहीं है. नेपाल से लोग आए हुए हैं, उनके लिए क्यों नहीं है. म्यांमार से रोहिंग्या भाई बहन हैं, उनके लिए क्यों नहीं है. और बाकी ये 3 देशों से सिर्फ मुसलमान के साथ आपके साथ दुश्मनी क्यों है, ये भी बहुत एक बड़ा सवाल है जिसके लिए विरोध हो रहा है. तो एक तो नागरिक दुरुस्ती कानून के ऊपर विरोध बुनियादी स्तर पर, क्योंकि वो गैर संवैधानिक है, इसलिए हो रहा है. साथ में अगर आप NPR और NRC जोड़ लो,
तो उसमें जो बिंदु है विरोध के, वो भी हमें समझना जरूरी है. विरोध हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ विरोध करने के लिए करने ही कर रहे हैं. ये इसलिए कर रहे हैं कि एक तो जैसे मैंने कहा कि नागरिकता दुरुस्ती कानून और NPR NRC को आपको साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक के बाद एक लाया जा रहा है जानबूझ के. NPR NRC का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी देश में, दुनिया भर में ऐसा कानून नहीं है कि नागरिकता की सबूत कोई नागरिक से मांगी जाए, कहीं भी नहीं है ऐसी बात. हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई अवैध प्रवासी आ जाए, मैं उनको घुसपैठिया कभी नहीं कहूँगी. अवैध प्रवासी मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल माइग्रेंट अगर आ जाता है, घुसपैठिया ऐसे शब्दों को हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घुसपैठिया इस्तेमाल करके कुछ अलग ही भावना पैदा हो जाती है, नफरत, अलायदापन वगैरह. तो ये अवैध प्रवासी अगर आ जाता है बिना कोई डॉक्यूमेंट, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, कोई भी उनके वजह से, तो उनको ट्रैक करने के लिए, उनको पहचानने के लिए कानून होते हैं. हमारे देश में भी है और दूसरे देश में भी है, और वो वाजिबी भी है कि उनको रखना, क्योंकि उनको वोटिंग का अधिकार आप क्यों देंगे? वोटिंग का अधिकार आप तभी देंगे 10-15-20 साल बाद अगर वो कई दूसरे कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो वो मान्य है हमें कि वो सब देश करते हैं. मगर नागरिक जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जो यहाँ पे सदियों से रह रहा है, जिसके पास इतनी भी छोटी सी अपनी ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो घर ज़मीन कितने लोगों के पास है अपने नाम से, अपने बाप दादा के नाम से, उनसे आप सबूत मांगेंगे? ज़मीन के साथ रिश्ता, देश के साथ रिश्ता का आप सबूत मांगेंगे? ये कहीं नहीं है और नहीं होना चाहिए. तो बुनियादी स्तर पर हमारा वो ऑब्जेक्शन है, मतलब ये विरोध है कि आप नागरिकता का सबूत दस्तावेज से नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते. साथ साथ उसी को जोड़ के दूसरी बातें आ जाती है कि आप एक बार ये रास्ते पे जाएंगे तो कितनी तकलीफें आती हैं, ये भी हम लोगों को समझा रहे हैं. क्योंकि सवाल नहीं है कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, सवाल नहीं है कितने के पास वोटिंग कार्ड है, सवाल नहीं है कितने के पास जन्म पत्रिका के सर्टिफिकेट है, सवाल ये नहीं है कि कितने पास LIC का पॉलिसी है, सवाल नहीं है कितने लोगों के पास कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट है जिसका मेरा नाम और मेरा बाप और माता जी का नाम है, सवाल ये नहीं है कितने लोगों के पास ज़मीन या छोटी सी चाय या छोटा सा कमरा अपने नाम से है, वो नाम में अपना भाई बहन का नाम है क्या, माँ बाप का नाम है क्या, ये सब सबूत आप कहाँ से लाएंगे? तो सवाल ये नहीं है कितने लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सवाल ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में क्यों पड़ा रहे लोगों को, उनका मंशा क्या है, उनका उनकी साजिश क्या है. मैं मानती हूँ ये 3-4 लेवल पे, जैसे मैंने पहले तो कहा कि बाकी बुनियादी मसलों से बात हटाना, ताकि हम वो पूछना ही भूल जाए कि हमारी स्कूल क्यों नहीं चल रही. भाई कल ही हमने पढ़ा कि बम्बे की म्यूनसिपालिटी स्कूल में 400 बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, बारिशों में पूरी पानी फ्लड हो जाता है. हम ये सवाल ही नहीं करें कि समान शिक्षण हमारे बम्बे में क्यों नहीं है, रिलायंस स्कूल में 1-1.5 लाख महीने की फ़ीस है, महीने की फ़ीस. क्या ऐसे स्कूल होनी चाहिए बम्बई शहर में? मगर है अंबानी की स्कूल, एकोल मोंडियाल, ये सब सवाल हम न करें. हम समान शिक्षण की बात न करें, हम BST को जिंदा करने की बात नहीं करें, हमारी बस सर्विस को. हाँ, गोष्टी नहीं सवाल सको करायला, आम्ही फक्त नागरिकतावर जाऊन आपण अडून बसू, एक दुसऱ्याच्या मध्ये आपण बघून तुझ्याकडे आहे का माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे आहे का तुझ्याकडे आहे, आणि त्याच्यामध्ये 25-30 साल कमीत कमी लागणार आहे. म्हणजे आम्ही आसाम को बहुत करीब से देखा. एक बिचारा साकेन अली, एक जगह उनका नाम है SAK और इसमें ख, 5 साल उसने डिटेंशन कैंप में निकाला. पार्वती दास 70 साल की बुढ़िया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान, पार्वती दास 70 साल की बुढ़िया बेचारी, आज भी उसका बेटा पागल जैसे घूम रहा है, बोले मेरी माँ अंदर मर जाएगी या बाहर आके मरेगी, कोई वजह नहीं है उनके पास सबूत है. क्या सबूत आप मांगेंगे लोगों से, कौन से सबूत, जिंदा रहने के सबूत? और अगर आपके पास सबूत नहीं तो डिटेंशन कैम्प जो जेल से भी बदतर है, मतलब वहाँ पर परिवार मिल नहीं सकता, कोई नोंद नहीं होती. अभी लोगों मतलब क्योंकि पार्लियामेंट में सांसद में बार बार सवाल किए गए, अभी सरकार को मजबूरन बताना पड़ा कि 2100 लोग आसाम के डिटेंशन कैंप में हैं, 28 लोग इनकी जान गई है, 100 लोगों की जान आसाम में कुल मिला के गई है, खुदकुशी से या हार्ट अटैक से, सिर्फ ये सोच के कि कल उठ के मुझे गैर भारतीय अगर ठहराया जाएगा तो बस मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य में क्या होगा मेरे साथ. तो ये भयानक
जैसे हम जब मेरे जैसे हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं बम्बई हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं, उनके साथ हम जब पहली बार उनको लेके गए थे अगस्त जून महीने में 2018 में पहली बार, उनको पता था कि हमारी संगठन वहाँ पे काम कर रहा है, मगर जब पहली बार उनको लेके गए और दूसरी हमारी दोस्त वृंदा गोवर सुप्रीम कोर्ट की वकील है, हम ले पूरी टीम को लेके गए थे आसाम में, उनको पता था कि हमारा संगठन काम कर रहा है 3 साल से। मैं बार बार उनको कहती थी 3 लाख लोगों का मसला है, 20 लाख लोगों का मसला है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक वो गांव में नहीं गए और उन्होंने देखा नहीं, जब 10-10 हज़ार की झुंड उनके पास भाग के आ रही डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, उन्होंने बोला हमको पता नहीं था गुजरात 2002 भी इतना खराब नहीं था। मतलब एक इंसान की भारतीयता आप अगर छीन लोगे, इसका मतलब है आप कागज़ से उसको मार डाल रहे हो। सिविल डेथ इसको कहते हैं, मतलब कागज़ में उसको मार डाल रहे हो। मतलब आपका अधिकार स्कूल में जाने का नहीं, आपको राशन लेने का नहीं, कोई भी सरकारी स्कीम्स में आपका नहीं, और आपको कभी भी आपके साथ कुछ भी मानव अधिकार को, वैसे भी होता है नागरिक के साथ भी ये देश में होता है, मगर कुछ ना कुछ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, वो सब अधिकार छीने जाएंगे। तो साजिश अगर मैं मानूँ तो उनकी साजिश ये है कि बम्बई जैसे शहर की ज़मीन 55% से ज़्यादा बस्तियाँ हैं, आपको अमीर लोगों के बिल्डरों के हाथ में देना है, तो आप सफाई कर दो, आपको शांघाई क्योटो बनाना है। इसीलिए अभी से अगर हम डट के खड़े नहीं रहेंगे तो ये साजिश हम नहीं समझ पाएंगे। आप ही सोचिए कि दस्तावेज के पीछे 2005 में हमारे शहर में बाढ़ आया, 500 के करीब जाने गई, क्या बाढ़ में कोई दस्तावेज बचता है क्या? जब आपका एक ही छोटा सा कमरा है, महिला हमारी बहन इतने इतने पानियों में पका करके उनके पैर सड़ गए, उनको लेप्टोस्पोराइसिस हो गया, वो चूहों ने काट काट कर बम्बई में, उनके पास कौन से दस्तावेज बचेंगे? बम्बई में ऐसे बस्तियां हैं जो बाढ़ के वजह से बसती है, दंगे के बाद बसी है, लातूर में अर्थक्वेक हुआ तो लोग आ गए हैं, कहीं और कुछ हादसा हुआ तो लोग आ गए हैं, शहरों के तरफ लोग आते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों को खाने पीने का कुछ इंतज़ाम शहर में हो सकता है जो गांव में हम लोग नहीं कर पाए 70 साल के बाद। इसीलिए लोग बड़े बड़े शहर में आते हैं कि कुछ तो गुजारा हो, कम तो नहीं, भूखा तो सही, एक कमरे में 15 लोग सोए तो सही। मतलब ऐसा नहीं कि शहर में रहना कुछ लोग पसंद करते हैं, मगर मजबूरन इंसान आता है क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर गुजारा होता है। जैसे कहते हैं ना बम्बई को मक्का कहते हैं, रोजी रोटी का मक्का, मक्का देने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंसान को मिल जाएगा। तो एक तो उनकी साजिश यह है कि धर्म मजहब के बीच में हमको बांटना, यही कह के ये मुसलमान के, तो उनके लोगों को वो कह रहे हैं। कल हम लोग आज मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्लान कर रहे थे तो मुझे 2 मराठी वरिष्ठ पत्रकार का मैसेज आया कि आप क्यों ये मुद्दे उठा रहे हो, बीजेपी सपोर्टर तो बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि बीजेपी सपोर्टर खुश है कि मुसलमानों की नागरिकता के ऊपर एक सवाल उठेगा। तो उनका जो एक उनका जो खसूसी जो उनकी दुनिया जो है ना, जो अफवाहों पे चलती हैं, जो कान में जिसको चाइनीज विस्पर्स हम बोलते हैं ना, हमने कई संघ से मेरे ससुराल से मैंने यूपी में मैंने सुना है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान के घर घर लेकर पूरे गांव को साफ कर दो, जो बंटवारे विभाग को जो भी मुसलमान बचा है उसका पूरा ज़मीन छीन लो, और वो तो आपको ही मिलेगा ना बाद में। अगर कोई हिंदू बेवकूफ़ होकर सोचेगा कि वो छीना हुआ ज़मीन गरीब हिंदू को मिलने वाला है तो वो बेवकूफ़ है, वो तो जाएगा बिल्डर के नाम, वो जाएगा अडानी अंबानी के नाम, कोई गरीब हिंदू के नाम जाएगा क्या कभी कोई ज़मीन? ज़मीन तो मतलब सोना होता है। तो इस तरह की वो लोग 3-4 लेवल पे अलग अलग बातें करके अपने आप को हम सबको गुमराह में रखना चाहते हैं। तो एक तो उनका एक सांप्रदायिक सोच है ही, फिरका परस्त सोच है ही, जो वो चाहते हैं कि एक मुसलमान तबके को अलाइदापन से हम लोग देखें, वो तो है ही, उसको हम नकार नहीं सकते, मगर साथ साथ वो फंसाने वाले हैं हम सबको, क्योंकि कोई बचने वाला नहीं है इससे। अभी हमारे दोस्त मिलिन रानडे जी हैं जो सफाई कामगार यूनियन के काम का मतलब उसके काम में लगे हुए हैं बम्बई में, परसों एक मीटिंग थी उसमें वो कह रहे थे, जब हम दस्तावेज की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि वो तबके को सबसे बड़ा नुकसान होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब क्या पुरावा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। उन्होंने सफाई कामगार की कानूनी लड़ाई लड़ी, क्या कानूनी लड़ाई, कि सफाई कामगार को परमानेंट बनाना चाहिए। आप समझते हैं, आप मतलब परमानेंट क्या होना, हमारे लिए सब कुछ होता है, नौकरी अगर परमानेंट हो जाए
तो बेनिफिट हमें मिल सकती है। लड़ते लड़ते उनको सुप्रीम कोर्ट का जाना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट का भी ऑर्डर सही था, मगर महानगर पालिका नहीं देना चाहता था PF ESIS वगैरह वगैरह। 2700 कामगार साठी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत ते लोकांना 8 वर्ष लढायला लागला। 8 साल उनको लड़ना पड़ा। ऑर्डर फेवर में आया 3 साल पहले, तो इसका मतलब होना चाहिए ना कि 2-3-4-6 महीने के अंदर सबको PF ESIS मिलने। आज तक 400 वर्कर को छोड़ के 2300 को नहीं मिला। क्यों? दिलीप का नाम अ या ई, मंडल का नाम अ या ओ, आप खुद को पता होगा। मतलब आज तक सिर्फ 400 कामगारों को पूरा बेनिफिट मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला। मैंने किसी को ये आंकड़े दिखाए कि आपको पता है ये हाल है, बोले ये बात छोड़ दो, आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड जो सरकार रखती है ना अपना पैसा, छोटे मोटे नौकरी करने वाले का पैसा सरकार जमाती है ना, हर महीना काटते हैं, फिर मालिक भी देता है, हम भी देते हैं, और हम लोग हमारा पैसा जमा होता है। 15 साल के बाद 10 साल के बाद आपको निकालने का अधिकार है, आपको घर बनाना है, शादी के लिए जो भी है। आपको पता है कितना पैसा सरकार नहीं दे रही किसी को, क्योंकि नाम में फ़र्क है। 47,000 crores, हाउ डू यू से इट इन हिंदी, 47,000 करोड़ रुपया सरकार बांध के रखी है आप और हमारे प्रोविडेंट फंड की, इसी वजह से कि नाम और दस्तावेज में फ़र्क है। तो सोचिए, नाम के फ़र्क, दस्तावेज के फ़र्क में हमारा खुद का पैसा अटका हुआ है, और नागरिकता के लिए नहीं कुछ होगा। बताइए बताइए। हाँ, काम किया दादर में, तो 3 बरस हो गए, तो बोलता काम नहीं, अभी बोलता बूढ़ा हो गया काम नहीं, तो काम नहीं तो हम घर में बैठा, हमारा पेप भर के दो। तो बोलता कि जन्म दाखला ला, अभी कहाँ से जन्म दाखला, मातू मर गए बाप मर गए, कहाँ से जन्म दाखला ला। ये हंसने वाली बात ही नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है इनका। तो आप लोग सबसे बेहतर समझ सकते हैं हमसे ज्यादा कि अगर दाखिले मांगने का अगर प्रयास ये सरकार शुरू करती है तो कौन सा तबका फंसेगा इसमें? सर्वसामान्य गरीब माणूस सगळे फसणार आहेत, आणि त्याच्यामध्ये हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण काही नाही राहणार आहे, सगळे फसणार आहेत। सुप्रीम कोर्टामध्ये सगळ्या व्यवस्थेच्या विरोधात चॅलेंज केलं तर पण मी एक गोष्ट आपल्याला सांगते की सुप्रीम कोर्ट वरती जेवढा माझा आधी विश्वास होता तेव्हा आज माझा विश्वास नाही आहे, तरी पण प्रयत्न आपण करू। राजनीतिक विरोध आणि सामाजिक विरोधला लही दम आहे, आपले लोकर बाहेर येतील आणि ह्याला नकारतील, बोलतील आम्हाला नाही करणार आहे, सत्याग्रह करतील, तर त्याला आसानीने सरकार सगळ्यांकडे बळजबरी नाही करू शकत। तर आपण त्याच्यासाठी पण आपली तयारी ठेवायला पाहिजे, का आपण ह्याला नकारला पाहिजे। पण आज आपण ते स्थितीमध्ये आहे का नाही माहीत नाही, 1-2 महिन्यात आपली तयारी असायला पाहिजे का मुंबईतले 20-25 लाख माणसं असं बोलणार का आम्हाला नको, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं करने वाले, एक बार हम ये कदम पे। मगर ये हमारा कहना भी बहुत आसान है, क्योंकि हमारा आधार का अनुभव आप याद कीजिए, लोगों ने बोला ना करो, उसके बाद जब मेहनत का वक्त हो लगता है कि अगर मेरे पास कार्ड नहीं होगा तो शायद मुझे राशन नहीं मिलेगा, तो फिर इसीलिए हमको अभी अगले 1.5-2 महीना काम बहुत महत्व का है, कि ये समझते हुए कि लोग इसमें मजबूरन कभी लग भी जाएं, फिर भी हमारा विरोध कितना मजबूत हो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ये झूठ जो बोला जा रहा है कि हम विरोध विरोध के लिए नहीं कर रहे हैं, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको अगर कोई अवैध प्रवासी के खिलाफ कार्रवाई करनी है आप ज़रूर कीजिए, कानून के देख के कीजिए, मगर बाकी पूरे पब्लिक को आप पूरे पूरे देशवासियों को क्यों इतना हैरान करना चाहते हैं? सांप्रदायिकता जबान आप मत इस्तेमाल कीजिए, इसको नकारना चाहिए। तो ये सब सवाल हमको करना बताना बहुत ज़रूरी है। हमारी दूसरी दोस्त है जो यूनियन चलाती है बैंगलोर में, वो अपने हम आपले अपन कैसे हैं कपड़े विनायक बुनकर उसमें, मतलब जो वो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब वहाँ पे भी मतलब पगार वगैरह फैक्ट्री वगैरह आता बंद झाला है, म्हणजे लहान लहान कारखाने घरात बसून तिथे तिथे लोक करतात, तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं ना, तो उसमें कोई कानून नहीं चलता,
आठ घंटे से ज़्यादा लोग बेचारे काम करते हैं, सारा परिवार उसमें लग जाता है। तो वो मुझे बता रही थी, अभी गीता है उसका नाम, वो बता रही थी कि आज भी 3000 महिला वर्करों के पास आधार कार्ड नहीं है। क्यों? आधार कार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई मुकाम नहीं दिखा सकते, एड्रेस। वो प्रवासी कामगार हैं, वो कभी इधर रहते हैं। और हमारे भारत हिंदुस्तान में 400 मिलियन, आई हाउ टू एक्सप्लेन दिस फिगर्स इन हिंदी, 400 मिलियन आर माइग्रेंट लेबर आउट ऑफ द टोटल, आर इनफॉर्मल सेक्टर, नॉट माइग्रेंट लेबर, 400 मिलियन। हाउ डू आई से दैट इन हिंदी? 400 मिलियन आर इनफॉर्मल सेक्टर, 400 लाख लोक फॅक्टरी चे बाहेर कामगार आहेत। म्हणजे फॅक्टरी मध्ये राहून आपण फॉर्मल सेक्टर मधून काहीतरी आपण कानून लागू करू शकतो, युनियन वर काहीतरी आपण शिकायत करू शकतो, कंप्लेंट करू शकतो, पण युनियनचे बाहेर जे कामगार आहेत ते जास्त आहेत। घरेलू कामगार आप बघो, आपले किसान कामगार, हाऊ डू वी एक्सप्लेन इनफॉर्मल सेक्टर, असंघटित आपले क्षेत्र जे आहे। घरात आता लोक फॅक्टरी टाकतात कारण ते लोकांना कांदूनचे बाहेर राहायचं आहे। तर एवढी मोठी संख्याचे लोकांबरोबर कुठले दस्तावेज, उनके पास कौन से दस्तावेज रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल हमें अपने आप को करना पड़ेगा। और हमारे विरोध को इस तरह मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा विरोध बुनियादी स्तर पे इस तरह के बिंदुओं के साथ हो तो फिर सामने वाला जवाब नहीं दे पाएगा। आप कॉरपोरेटर को पकड़ लीजिए, आपके क्षेत्र के कॉरपोरेटर को पकड़ लीजिए, बिठा के ये सवाल कीजिए कि आप भी विरोध करो। MLA को पकड़ना चाहिए, आपके अपने सांसद MP को पकड़ना चाहिए। सबके साथ हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि आपको पता है कि इसके साथ हमारे साथ क्या होने वाला है। बीजेपी के सब MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके समर्थन में काम कर रहे हैं पक्ष के ऊपर, जो पार्टी के। देखो फिर भी आप उनके क्षेत्र में तो उनको आपको थोड़ा तो जवाब देना पड़ेगा। अगर उनको महसूस तो हो कि आप हमारे क्षेत्र में इसका विरोध है, हम इनको बिल्कुल अलग अलग छोड़ के छोड़ ना दें, उनकी मजबूरी पे थोड़ा सा मजबूर कर दे कि आप एक बार आप इलेक्ट होके आते हो, आपको सबके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे हम आपको वोट दिए या नहीं दिए। अभी बोल रहे हैं कि सेंटर जो है, अभी ये जो लॉ जो ये लोग ने लाया है सिटीजनशिप का लॉ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में राइट नहीं है इसको नकारने का, राइट? दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। तो फिर अगर सेंटर बोलती है कि ठीक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट भले कुछ भी बोले, हम तो लगा के रहे। मुझे आप बताइए कि जब इलेक्शन होता है, मैं आपको एक सवाल उल्टा करवा दूं, जब इलेक्शन होता है हर 5 साल, या तो आपका आपका जनगण सेंसस का शुरू होता है, तो कौन से ऑफिसर को इस्तेमाल किया जाता है? आप सरकार इतना ही कह सकती है कि हमारे ऑफिसर्स को नहीं देंगे आपको, मतलब इट इज लाइक हमारे राज्य सरकारों से ये नकार के लेना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। जैसे केरल ने अभी अभी NPR के खिलाफ नहीं, अभी तक CAA के खिलाफ किया है, मगर हम कहते हैं कि तीनों के खिलाफ होना चाहिए, CAA, NPR और NRC। सिर्फ CAA से करके नहीं होगा, ममता बनर्जी ने 2 महीने पहले कह दिया था कि हम NRC नहीं करेंगे, NPR पे वो खामोश थी, फिर किसी ने बताया NPR तो चालू है, फिर उन्होंने NPR को रोका। तो ये तीनों को हमें साथ में देखना पड़ेगा, तीनों चीज को। उद्धव ठाकरे से नहीं, आपके GAD डिपार्टमेंट, सरकार में सब डिपार्टमेंट से चलता है, तो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पूरा बाकायदा सर्कुलर होना चाहिए कि ये हमारे राज्य में ये हम काम नहीं शुरू कर रहे, मतलब इट कैन बी वर्डेड पॉलिटिकली करेक्टली कि हम लोग अभी नहीं शुरू कर रहे कोई भी कारण की वजह। मॅडम आम्ही आताच पत्रव्यवहार केला, लाखो लोकांच्या सह्या घेतल्या की आम्हाला या 3 CAA आणि NCR वगैरे नाहीच पाहिजे आमच्या महाराष्ट्रात, लोकांनी आंदोलन करून पत्रव्यवहार करून शेकडो करायलाच पाहिजे, मुख्यमंत्र्यावर आपण दबाव आम्हाला आमचे प्रोग्राम साठी थांबू नका, आमचे प्रोग्राम होत राहतील पण आपल्या आपल्या तुम्ही कारवाई करत राहा, हस्तक्षेप। अभी सुहेल आया हमारे साथी, मीरा रोड पे आता तो लोकांनी केलं, 4000 लोकांनी सिग्नेचर करून पाठवलं, मेमोरँडम चाहिए, आमचा ड्राफ्ट पण तयार आहे, तुम्ही मेमोरँडम आम्ही तुम्ही देऊ, मराठीत हिंदीत तयार आहे, तुम्हाला जे ठेवायचं ठेवा, काढायचं काढा आणि द्या तुम्ही लोकांना। पण लोकांना आता परवा पुण्यात सुरू आहे, मंगळवारी रत्नागिरीत सुरू आहे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरला जाऊन लोक घेराव करणार आणि हस्ताक्षर देणार। जेवढा आपण विरोध शांतीपूर्वक विरोध आपण दाखवला तेव्हा थोडंसं ते लोक विचार तरी करतील ना की आपण सुरू करतो का नाही, का सुरू करतो। आणि ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये सगळे आतमध्ये सहमत आहे आपण मानू नका, आतमध्ये विरोध आहे,
पण हे दोन चार माणसं जे वरती बसलेले आहेत एवढे तानाशाही आहे आणि एवढं त्याला डर आणि एक भय आहे लोकांना त्यांच्याबद्दल, कधी एन्काउंटर करून टाकतील, कधी ईडी पाठवतील, कधी हे करतील, कधी ते करतील, म्हणून लोक थोडं गप्प आहे. पण हे विरोध बिल्डअप झाला चांगला आणि बाकी संघटनचे बरोबर जायचं, ट्रेड युनियन्समध्ये पण आपल्याला गोष्ट करायला लागेल. लोक एक तबका आहे अजून समाजाचा, त्यांना वाटते की मला काही होणार नाही. त्यांना आपल्याला समजवायला लागेल का सगळ्यांना होणार काय त्रास, असं नाही की कोण त्याच्यामधून हे राहणार आहे. नाही लोक म्हणजे फोन रोज आते हैं, जब लोक देखते हैं ना की प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होते हैं. तो मुझे एक दलित, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक दलित महाराष्ट्रियन प्रोफेशनल परिवार से फ़ोन आया परसों. उनके दो तीन साल पहले उनकी लड़की हमारे पास काम करती थी, तो अच्छे संबंध है. तो बोले आप क्यों इतना इसके पीछे लगे हो, बाकी तो इश्यूज आप इतना अच्छे कर रहे हो, इसके पीछे क्यों लगे हो? तो हमने बोला जब से आसाम में हम लोग काम कर रहे हैं तभी तक हमको खतरा महसूस हो रहा है, तो हम इसलिए कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, काफ़ी लोग बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास तो सब कुछ है, सिर्फ मुसलमान को प्रॉब्लम होगा. तो एक तबका है जो इस बात को फैला रहा है, मगर ये पूरा हकीकत नहीं है. क्योंकि पहली बार, जैसे कल यशवंत सिन्हा बम्बई में थे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और अपना सुरेश मेहता जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त भाजपा में थे, अभी भाजपा छोड़ दिया उन्होंने 2007 के बाद, ठीक है, और मतलब काफ़ी पब्लिक लाइफ में उनका साफ सुथरा इमेज है. तीनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि हम लोग एक गांधी शांति यात्रा निकालने वाले हैं 9 जनवरी से लेकर राजपथ तक, और ज़्यादा दिन वो गुजरात और यूपी में निकालेंगे CAA NPR और NRC के विरोध. तो मतलब लोग कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर ये बात हो रही है. जहाँ पर कोई भी प्रक्रिया हो हमें उससे साथ जोड़ना चाहिए. हम ये ना समझे कि सब प्रक्रिया हमारी ही हो, जितनी विभिन्न हो, जितनी ज़्यादा हो, जितने अलग अलग बैनर्स हो, उससे ज़्यादा असर पड़ेगा. अगर एक जो भ्रम है लोगों को, ये हमें एक अफेक्ट नहीं करेगा, वो अगर हमने तीन चार अलग अलग पर्चे निकाले हैं, मैंने अभी बिलाल भाई को भी दिया है, कि गरीब और कामगार पक्षों के ऊपर किस तरह का असर होगा, हिंदी मराठी में है हमारे पास, दूसरी भी पत्रिका है, वो आप पढ़ लीजिए. और भी अगर आपको कुछ माहिती या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आपको आके दे सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, मगर मुद्दा हम खुद समझ लें. जैसे आप लोगों ने खुद कहा कि एक बार दस्तावेज का सवाल है तो हम फंसने ही वाले हैं. शाहीन बाग आता रोज दादी नानी बेटी बहन सब आ रही रात भर, वहाँ पे इतनी इतकी ठंडी आहे तरी पण लोक येतात. हां ते कसं करायचं तर तुम्ही सांगा ना, जागरूक कसं करायचं? फक्त ना तरुण वर्ग आणि मुलंच दिसतात आपल्याला, तो कैसा करना चाहिए? टीचचे विद्यार्थी आहेत, कालिनाचे विद्यार्थी आहेत, असे म्हणजे स्लम एरियातून लोक ह्याच्यामध्ये उतरले पाहिजे, ह्याला विरोध तीव्र केला पाहिजे. आणि स्लम बस्तीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना इमिजिएटली समजेल काही आम्हाला प्रॉब्लेम होणार आहे, कागदाचा प्रॉब्लेम होणार आहे, सबूतचा प्रॉब्लेम होणार आहे, दस्तावेजचा प्रॉब्लेम होणार आहे, पण त्यांच्याकडे आपण पोहोचायचं कसं आणि मेसेज कसं द्यायचं? मी तर बोलते विश्व आहे बस्ती लेवल मीटिंग, छोटे 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 बस्ती लेवल मीटिंग. मी जेव्हा मी येऊ शकते मी नाही कोणाला सांगत नाही, तेव्हा मी मुंबईत येईल. आमच्या पुढच्या रविवारी माहूलमध्ये ठेवूया, नेक्स्ट संडे मी पुण्यात आहे. आसाम का बस मैं दो लाइन और बताऊंगी और कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है. आसाम में ये पूरा नागरिकता को लेकर एक खास एक राजनीतिक एक कॉन्टेक्स्ट था, वो ये था कि बंटवारे विभाजन के पहले भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो काफ़ी बंगाल भाषियों को वहाँ पर बसाया था. उसके बाद बंटवारे विभाजन के बाद इधर से भी हमारी तरफ से उस तरफ भी लोग गए, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आए. तो ये बाहरी लोग कौन हैं, आसाम का आसाम की कल्चर के ऊपर एक असर होगा, इस तरह की भावना हम जब कॉलेज में थे 74-75 में काफ़ी चली थी. और वो जो मूवमेंट चला था वो हिंसक भी हुआ था, काफ़ी वायलेंट भी हुआ था. तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी भावना हुई, करते करते एक नैली मसाकर भी हुआ बहुत ख़तरनाक, जहाँ पर अल्पसंख्यकों को बहुत बुरी तरह से टारगेट करके मारा था. तो करते करते आसाम की सरकार और भारत की सरकार ने वहाँ के बड़े संगठन के साथ एक आसाम अकॉर्ड एक साइन किया था, सुलह,
जिसको लेकर एक बात हुई थी कि वहाँ पे एक सूची तैयारी की जाए सिर्फ आसाम के लिए, ठीक है। और जैसे आपको लारा बता रही थी नागरिकता को लेकर, 87 का एक कट ऑफ है हमारे लिए कि 87 के पहले पैदाइशी है आसाम में, वो जो लाइन लकीर जो आसाम अकॉर्ड के बाद लगाई गई वो 66 और 71 की है, क्योंकि 71 के दिसंबर में वहाँ पे बांग्लादेश का जंग आपको पता है वॉर हुआ था, तो ईस्ट पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था और उसको लेकर भी काफ़ी प्रवासी इस तरफ आए थे। तो इसीलिए 71 और 66 का एक नागरिकता को लेकर एक लकीर बनाई गई थी। तो खैर वो एक बहुत ही पेचीदा मामला है, उसको समझने में मुझे 6 महीने लगे कानूनी स्तर पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मगर मोटे मोटे में आपको ये समझना ज़रूरी है कि आसाम अकॉर्ड के बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में NRC की प्रक्रिया आसाम में होती है, और वो उसके बावजूद इतनी नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पे, ये आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान की दिया हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं, अगर नीचे के ऑफिसर्स आपके, अगर वहाँ के जो जाने वाले जो ऑफिसर है अगर वो खुले दिल से दस्तावेज को नहीं देखेंगे तो गरीब को फटका पड़ेगा। तो आपकी पार्वती दास और साकी नली डिटेंशन कैंप में जाएंगे। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई जादू का ऐसा नहीं करने वाला है, और आसाम ने ये झेल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद पहला जब लिस्ट निकला, आसाम की आबादी 3,20,00,000, अच्छा पूरे राज्य की आबादी, पहली लिस्ट निकलती है दिसंबर 2017 में लिस्ट निकलती है 1,20,00,000 बाहर, मतलब एक तिहाई, तीन में से एक बाहर। बवाल मचता है उस वक्त, हम लोग काम शुरू करते हैं, बवाल मच जाता है कि इतना मतलब इतने दस्तावेज देने के बावजूद कैसे इतने लोग बाहर निकले गए। उसके बाद सेकंड लिस्ट में 44,00,000 लोग बाहर, उसके बाद तीसरे लिस्ट में 19,00,000 लोग, आज के हाल में 19,00,000 लोग बाहर हैं, और 19,00,000 लोगों को हमारे संगठन और बाकी संगठन मदद करने की। अब सोचिए इतना मतलब हम कर भी पाएंगे हमको नहीं पता, इतना कठिन काम है। अभी आसाम अकॉर्ड जब साइन होता है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जब होती है, तो एक मैंने बिलाल जी को एक मोटी भी पुस्तिका दी है, यू नो दैट बिगर बुकलेट, उसमें 14 दस्तावेज के ऊपर एक सहमति बनती कि ये 14 दस्तावेज में से एक, जिसके मेरे नाम आपके सामने लिए, पासपोर्ट, LIC, बैंक, कोर्ट के डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, आप सोचिए इतना गहरी चर्चा के बाद, ऑल इंडिया NPR NRC के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। आज तक सरकार हमें नहीं बता रही है कि कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, आज तक सरकार नहीं बता रही है कि कौन सी तारीख पे लकीर खींचा जाएगा, 1950, 1987, कुछ नहीं बता रही है। सरकार से बोलिए हम शुरू करें का मतलब क्या, पागल हो क्या, शुरू करके आके वो पूछेगा क्या, NPR का आदमी मेरे घर आएगा तो पूछेगा क्या, कब की पैदाइश का पूछेगा, 71, 87, 50, कुछ बता नहीं रहे। बिना सांसदीय बहस को आप इस तरह की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते, वैसे भी नहीं शुरू कर सकते मगर बिना बहस की तो कर ही नहीं सकते। आसाम का पूरा अनुभव ही हमें दिखाता है कि इतनी गहरी चर्चा के बाद भी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अल्पसंख्यक भाषा सब ने कबूल किया कि ये दस्तावेज में से एक भी होगा तो चलेगा। फिर भी पहले 1,20,00,000, उसके बाद 44,00,000 और 19,00,000, मतलब क्या मजाक बनाया है। बंगाली रेफ्यूजी, बंगाली श्रमिक, मतलब क्या बोलते हैं रेफ्यूजी को, मतलब जो बेचारे बंटवारे के बाद और बांग्लादेश वॉर के बाद जो हमारे पास आए थे, उनके पास रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या रेफ्यूजी सर्टिफिकेट होता है या सिटीजन सर्टिफिकेट, ये तीन डॉक्यूमेंट उनके, तीनों में से एक होता है। ये तीन दिखाने के बावजूद NRC का ऑफिसर कहता है हम नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे पास बैक एंड कॉपी नहीं है, मतलब ऑफिस की कॉपी नहीं मिल रही। अरे वो कैंप भी ख़त्म हो गए, वो ऑफिस का दफ्तर ही नहीं है। तो लोग मतलब हिंदू मुसलमान नेपाली गुरखा हिंदी भाषी सब वो फंसे हुए हैं, और BJP ज़्यादा फंसी हुई है क्योंकि 19,00,000 लोग में से 8,00,000 से ज़्यादा हिंदू भाषी बंगाली है। तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर एक सवाल हो गया कि आपने ये क्यों शुरू किया, क्यों इसको पाटिंबा दिया। मोदी साहब के मम्मी पापा का है क्या उनके पास? अरे उनका डिग्री ही नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हमें इसलिए समझाना पड़ेगा लोगों को कि आप ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट के चक्कर में हमें मत फंसाओ, क्योंकि ये बस
आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षण तालीम की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप महिलाओं की मतलब अधिकार की बात करो, ये सब सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, मतलब जो हमारी मतलब आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इस तरह के हमले हुए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करा। सारा देश डेढ़ महीने से इसी पे खड़ा। फकीर को क्या समझ में आता है परिवार के अंदर? उसको तो झोला लगा के तो जाना है ना। वो फकीर नहीं है, वो बोलता अपने आप को फकीर। हम क्यों उसको बोले फकीर? वो तो 1.5 लाख की उसकी घड़ी है, 2 लाख का उसका पेन है, प्राइवेट फ्लाइट में जाता है। अब फकीर को बदनाम कर रही है।